नमस्कार भाई दोस्तों। वैसे तो आज वीडियो का वैसे ही मूड नहीं था, लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या सच्चाई बोलना सच में इतना बड़ा गुनाह है क्या अपने देश के अंदर? नॉर्मल सच्चाई बोलो, चलो किसी पार्टी का कुछ बोल दो वो तो एक अलग बात है भाई, पार्टी बाजी वाले तो करते ही करते हैं। सही में सच बोल दो फिर तुम्हारे को तकलीफ होती है, तुम बार बार फ़ोन करके परेशान करने की सोचते हो, ये सोचते हो नंबर ब्लॉक। सीधा सिंपल तरीका है अपने पास, तुम्हारा नंबर ब्लॉक, आराम से बात कभी भी करना लेकिन व्हाट्सएप पे करना, ताकि लोगों को भी आपकी असलियत दिखा सकें कि तुम बोलते क्या हो। ये गाली गलौज वाले स्पेशल, इनके कमेंट भी देख लिया करो, कमेंट में नहीं करेंगे ये, करते हैं वो नकली आईडी बना के करते हैं। हकीकत में अगर आपको कुछ कहना है ना, व्हाट्सएप के ऊपर आप लिख के भेज दो, व्हाट्सएप पर लिख के भेज सकते हो आप, खुली छूट आपको, जो भी आपके मन के अंदर है। अपने गाली लिखनी गाली लिखो, ताकि लोगों को दिखा तो दें, सुना तो नहीं सकते लेकिन दिखा देंगे, ये देखो भाई ये नंबर है और ये है वो गालीबाज, तुम्हारी भी दिक्कत दूर हो जाएगी, ठीक है? नहीं तो फिर सच तुम बोल के दिखा दो। अगर तुम ये कह रहे हो कि हम ठीक थे, फिर पुलिस ने भाई तुम्हारे को ही क्यों पकड़ा? पकड़ना तो दूसरों को भी चाहिए था, अगर वो दूसरे गलत कर रहे थे तो दूसरों को भी पकड़ना चाहिए ना। ये तो है नहीं कि वो पैसे भर के निकल के होंगे बाहर, ये कानून नहीं चलता, सबको पता है ना रिश्वत चलती ना और कुछ, सबको पता है इस बात का, लेकिन तुम सुधार तुम्हारे अंदर आएगा नहीं। पता है सुधार क्यों नहीं आता? अपने देश के अंदर देखो, पता नहीं कितने डेरे डायरेरी ये सब हैं। पहले तो पुलिस वालों को उनकी सुरक्षा में लगाते हैं, ठीक है, फिर वो जब बाबा कुछ गलत कर देता है फिर पुलिस वालों को बोलते हैं इनको पकड़ो, फिर पुलिस वाले जो उनको पकड़ देते हैं उन पुलिस वालों की प्रोटेक्शन में और पुलिस वाले चाहिए, फिर वो उनको अंदर डाल दो। लेकिन देखते हैं अंत भगत होते ही हैं दुनिया में, ये बलात्कारी हत्यारे कितने बाबा के कितने भी पाप सामने आ जाओ लेकिन दुनिया इनकी अंधभक्ति नहीं छोड़ेगी। सच्चाई है ये, जो अंधभक्ति में लीन हो गया उसकी निकलती नहीं जल्दी से, मर ही जाता है वो। प्रूफ है, मेरे गांव में बहुत थे जो मर चुके हैं और भी बहुत है, देखता रहता हूँ मैं ये। वो मर जाते हैं, उनके मन में बस एक बहम हो जाता है, अरे अपनी मेहनत के बूते पे कुछ करने की सोचो, ये नहीं कि तुम मतलब कि बाप पाखंडियों के चक्कर में अपना घर पर बात कर ले। तो आए दिन न्यूज में आता है कितनी बच्चियों के साथ बलात्कार ये होता है बाबा पाखंडियों के चक्कर में। कभी किसी ने सुधार करने की कोशिश की नहीं की, कोई सुधार करने की कोशिश नहीं की, बस पढ़ेंगे हाँ ये हो गया बस सब चलो। कब सुधार आएगा तुम्हारे अंदर? पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, सुधार आएगा। अच्छी पढ़ाई करोगे तो, आजकल तो बताते स्कूलों में पता नहीं कौन सी पढ़ाई शुरू कर दी, तो जितना आजकल तो पढ़े लिखे ज़्यादा पाखंड में घुसते हैं, नहीं पता हो तो सबसे ज़्यादा पाखंड सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों के पास मिलेगा। अच्छे थे जो बुजुर्ग अनपढ़ थे लेकिन वो ज्ञान रखते थे, दुनियादारी का दुनियादारी का ज्ञान था उनको, तब ये पाखंड इतने फल फूल नहीं पाए थे, नहीं फूल फल फूल पाए थे। लेकिन उन्होंने शिक्षा में मिक्स कर दिया वो पाखंड, उससे बचाना अपने बच्चों को, और तुम तो नहीं बच पाए, कम से कम अपने बच्चों को तो बचा लो, तुम तो बर्बाद हो गए इस पाखंड के चक्कर में। दोबारा फिर बता रहा हूँ भाई, व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता है 9518883630, व्हाट्सएप पर मैसेज करो आराम से, जवाब दूंगा आराम से, यानी जवाब नहीं मिलेगा जवाब मिलेगा बिल्कुल, आपका जो भी सवाल है या कुछ भी है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो ना, या फ़ोन में से कुछ निकालने की सोचते हो, फ़ोन नहीं, फ़ोन में उठाता भी नहीं अनजान नंबर का, उठाऊं भी नहीं का फ़ोन, ये सोच लेना। नंबर फीड है मेरे पास जिन भाइयों के, उनके फ़ोन भी उठाता हूँ मैं, बात भी करता हूँ मैं, वो चाहे व्हाट्सएप कॉल करो या वैसे कॉल करो, उनके फ़ोन भी उठाता हूँ मैं, तुम्हारे कॉल नहीं उठाऊँगा मैं, तुम्हारे पहले कॉल के ऊपर लिखे आ जाता है स्पैम का। ये तो सुविधा एक अच्छी दे रखी है टेक्नोलॉजी ने, स्पैम लिखे आ जाता है पहले, मतलब फ्रॉड है नंबर, फ्रॉड नंबर से भी तुम कुछ करने की सोच रहे हो, गलत सोच ले रहे हो, इस सोच का सुधार करो और बचना, खास करके युवा पीढ़ी, अब बता रहा हूँ मैं, इन स्पैम नंबरों के इनके चक्कर में मत घुस जाना। माँ बाप अगर आपको भेज रहे हैं कहीं पे, बाहर भेज रहे हैं, पता है यहाँ पर तो रोज़गार तो है ही नहीं, रोज़गार की बात भी करके देख लो, युवा रोज़गार की बात करते लाठियाँ डंडे और जेड़ मिलेगी, करके देखो रोज़गार की बात, पता लग जाएगा तुम्हारी ये अंधभक्ति है ना, दो मिनट में निकल के बाहर आ जाएगी। एक बार रोज़गार मांग के देखो, अपने अधिकारों की बात करके देखो, तुम्हारा पूरा भूत उतर जाएगा अंधभक्ति का, दो मिनट में उतर जाएगा, दो मिनट लगेंगे नहीं वो भूत उतरने में, लेकिन पता नहीं तुम्हारी समझ में आएगा नहीं, कितना है तुम्हारे को समझाओ, समझाना फिजूल है, उन अंधभक्तों को नहीं समझा रहा मैं, लेकिन जो भाई और जो नॉर्मल भाई इनके चक्रों में मत फंसना, मैं उनको आगाह कर रहा हूँ। अंधभक्तों तुम थोड़ा दूर रहा करो, मूर्खो तुमने खाना गोबर है मूत पीना, तुम्हारे को तो कुछ कहना भी नहीं मेरे को, मैं उन भाइयों को बता रहा हूँ, कहीं उनके बच्चे ना फंस जाए, अपने बच्चों पर ध्यान दो विशेष तौर पर, कहीं बच्चा तो नहीं फंस गया है इनके चक्करों में, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है भाई, जितने साथी जुड़े हुए हैं
21-22 हज़ार साथी जुड़े हुए हैं उनको बता रहा हूँ, ताकि औरों को बता सके। बचना इस पाखंड से अनभक्ति, कहीं बच्चा लीन हो गया ना, बर्बाद कर लेगा अपना फ्यूचर, बर्बाद कर लेगा। ये एक मैसेज था, बाकी जो असली है वो आपको बताते रहेंगे समय समय पर। यहाँ पे सच्चाई मिलेगी, हमारे किसी पार्टी किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच रखा जाएगा सामने, कितना ही जोर लगाओ। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। जो साथी सच को पसंद करता है वो जुड़ना भाई, कमेंट करने तो ये भी चले आते हैं, करते रहने दे इनके कमेंट का मैं जवाब भी नहीं देना पसंद करता, जो ठीक है उसका जवाब दिया जाएगा। नमस्कार भाई दोस्तों।